सोने और चांदी के बाल। बहुत समय पहले की बात है, हुसैनपुर नामक गांव में सूरज नाम का एक राजा था। उसकी दो बेटियां थी। वो अपने दोनों बेटियों से बहुत प्यार करता था। बड़ी वाली बेटी के बाल सुनहरे थे, इसलिए उसका नाम सोनम, और छोटी बेटी के बाल चांदी के थे, इसलिए छोटी का नाम मेघा था। सोनम मेघा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जब मेघा 5 वर्ष की थी तभी महाराज सूरज ने मेघा को गोद लिया था। पता नहीं पिताजी ने क्या सोचकर इसे गोद लिया, इसके तो बाल भी सफेद सफेद हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मैं इसकी बहन हूँ। महाराज सूरज से ये देखा नहीं जाता था, वो चाहता था कि इसकी दोनों बेटियाँ मिलजुल कर रहे। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह दोनों हमेशा एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे। फिर महाराज सूरज अपने मंत्री बीरबल से सलाह लेने के बाद बाबा जी के पास आता है। बाबा जी कहते हैं, आइए महाराज जी, आपका स्वागत है, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। बाबा जी, हम अपनी दोनों बेटियों की रोज रोज की लड़ाइयाँ देखकर परेशान हो गए हैं, हमें कुछ उपाय बताइए जिससे वह दोनों सगी बहने की तरह रहे। एक काम करो महाराज, कल अपनी दोनों बेटियों को लेकर आओ। ठीक है बाबा जी, मैं कल अपने साथ अपनी दोनों बेटियों को भी लेकर आऊँगा। महाराज सूरज इतना बोलकर वहाँ से अपने राजमहल आ जाते हैं और अगले दिन होने का इंतजार करते हैं। अगले दिन महाराज सूरज अपनी दोनों बेटियों को बाबा जी के पास चलने के लिए कहते हैं। ये सुनकर सोनम बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, पिताजी मैं इस मेघा की बच्ची के साथ कहीं नहीं जाने वाली, आप दोनों ही चले जाइए, मुझे नहीं जाना। बहुत देखने सुनने के बाद दोनों बेटियां महाराज सूरज के साथ बाबा के पास चलने के लिए राजी हो जाती है और दोनों बाबा के पास चली जाती है। वहां भी सोनम मेघा से लड़ना चालू कर देती है। सुन मेघा की बच्ची, तो इधर आकर खड़ी हो, पिताजी के बगल में मैं खड़ी होना चाहती हूँ। इतना सुन बाबा कहते हैं, अरे अरे तुम दोनों लड़ो मत, शांत हो जाओ। बाबा जी मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, कृपया आप कोई ऐसा इलाज बताएं जिससे मैं इसे अलग हो सकूं। बेटा गुस्सा मत करो, रुको मैं कुछ करता हूँ। बाबा दोनों बहनों से बातें करता रहा और उनके घर जाते वक्त बाबा ने कुछ जड़ी बूटियाँ मिलाकर एक दवाई बनाई और कहा, यह लो यह दवाई तुम दोनों अपने खाने में मिलाकर खाना, इस दवाई के खाने से तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओगी। सोनम इतना सुनते ही बहुत खुश हो जाती है और दवाई की बोतल लेकर दोनों बहनें अपने घर आ जाती है और उस दिन के बाद वो दोनों अपने खाने में वो दवाई मिलाकर खाने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अब धीरे धीरे सोनम मेघा से लड़ना कम कर देती है। ये सब देख महाराज सूरज खुश हो जाते हैं और मन ही मन बोलते हैं, यह दवाई तो काम कर गई। धीरे धीरे मेघा और सोनम की लड़ाई होना बंद हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता रहा और अब सोनम और मेघा के लिए बड़े बड़े राजमहल से शादी के लिए प्रस्ताव आने लगे। एक दिन पास के गांव के महाराजा महाराज सूरज को खाने के लिए परिवार सहित आमंत्रित करते हैं। मेरे प्रिय मित्र महाराज वीर प्रताप ने हमें परिवार सहित खाने के लिए आमंत्रित किया है। ऐसा है क्या, तो हम जरूर चलेंगे, हमें कब जाना होगा? कल सुबह ही। अगली सुबह महाराज परिवार सहित महाराज वीर प्रताप के राजमहल पहुंच जाते हैं। आइए आइए महाराज सूरज, आपका स्वागत है। आहा, कितना सुंदर दिखते हैं राजकुमार ध्रुव, और मैं भी कितनी सुंदर हूँ। मैंने सुना है ये बहुत अमीर भी हैं। मुझे ऐसा ही पति मिलना चाहिए, मैं ऐसे पति के ही तो लायक हूँ। चलिए चलते हैं शिकार करने। हम शिकार करने नहीं जाएंगे पिताजी, आप जाइए। ठीक है चलो हम लोग चलते हैं। ओहो कितने सुंदर पंछी है और कितने हरे भरे पेड़, पता नहीं लोग यहाँ शिकार करने क्यों आते हैं। अरे ये तो राजकुमार ध्रुव है। हाँ वही तो लग रहे हैं, नजदीक जाकर देखती हूँ। राजकुमार ध्रुव आप यहाँ, आप तो सबके साथ शिकार करने गए थे ना? ओहो राजकुमारी मेघा, मैं सबकी नजरों से छिपकर शिकार छोड़कर यहाँ आ गया,
मुझे पक्षियों का शिकार करना अच्छा नहीं लगता। शिकार से अच्छा तो मुझे जंगलों के पेड़ पर बैठकर पक्षियों को गाना सुनाना अच्छा लगता है। लेकिन आप शिकार पर क्यों नहीं गई राजकुमारी? मुझे भी आपकी तरह पक्षियों का गाना सुनना अच्छा लगता है। आइए आइए, हम यहाँ पर बैठकर दोनों पक्षियों का गाना सुनते हैं। वाह, आपके बाल तो बहुत ही सुंदर है। सच में? सच में, ऐसा चांदी जैसा रंग मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उस दिन के बाद से मेघा और राजकुमार ध्रुव दोनों एक दूसरे से बातें किया करते थे। एक दिन सोनम अपने पिताजी और माताजी से कहती है, पिताश्री और माताश्री, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। क्या बात है मेरी प्यारी पुत्री, बताओ। मुझे राजकुमार ध्रुव बहुत पसंद है, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आज ही अपने मित्र महाराज वीर प्रताप से तुम्हारी शादी के लिए बात करता हूँ। ये सारी बातें मेघा सुन लेती है। वो मन ही मन सोचती है, नहीं नहीं, मैं ये क्या सुन रही हूँ। मैं और राजकुमार ध्रुव तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं ये शादी रोक भी तो नहीं सकती। अब मैं क्या करूँ? महाराज सूरज महाराज वीर प्रताप से अपनी बेटी की शादी की बात करते हैं। महाराज वीर प्रताप इस बात से बहुत खुश होते हैं, लेकिन विवाह से एक बार पहले वो अपने पुत्र ध्रुव से पूछने जाते हैं। राजकुमार ध्रुव। हाँ कहिए पिताजी, क्या कहना है? मैं तुम्हारी शादी महाराज सूरज की पुत्री से तय करने जा रहा हूँ, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? महाराज सूरज की पुत्री? नहीं पिताजी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी शादी की बात कल सुबह ही पक्का कर देता हूँ, क्योंकि मेरे मित्र को अपने राजमहल लौटना भी है। महाराज वीर प्रताप अपने मित्र राजा सूरज को शादी के लिए हाँ बोल देते हैं और फिर राजा सूरज अपने राजमहल पहुँच जाते हैं। एक रात बिना किसी को बताए सोनम घर से बाहर जाती है। मेघा सोनम को बाहर जाते देख लेती है और उसके पीछे पीछे जाने लगती है। सोनम वहाँ से गुजर रही होती है कि तभी कुछ डाकुओं की नज़र उसके सुनहरे बालों पर पड़ती है। तभी एक डाकू बोलता है, अरे यह तो महाराज सूरज की पुत्री है, मैंने सुना था इसके पास तो सोने के बाल है, लेकिन आज देख भी लिया। चलो आज इसे पकड़कर इसके सारे बाल काट लेते हैं, उन्हें बेचकर हमें बहुत ही पैसा मिलेगा, हम अमीर हो जाएंगे। डाकू सोनम को पकड़ लेते हैं और अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। मेघा ये देख सोनम के पीछे पीछे आती है। डाकू सोनम को एक जगह लाकर कुर्सी पर बैठा देते हैं और उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक डाकू सोनम के बाल काटने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है कि तभी मेघा उनके सामने आ जाती है और कहती है, रुको, मेरी दीदी को चुपचाप छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ए बच्ची, चुपचाप यहाँ से चली जा, नहीं तो अभी बताता हूँ तुझे। इतना कहकर डाकू मेघा की तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी मेघा अपने सर से कुछ बाल तोड़ती है और एक मंत्र पढ़ती है। मंत्र पढ़ते ही मेघा के बाल एक तलवार में बदल जाते हैं और मेघा वो तलवार डाकुओं को दिखाकर आगे बढ़ती है। डाकू तलवार देखकर डरकर घुटने टेक देते हैं कि तभी सोनम मेघा को गले लगा लेती है। तभी वहां महाराज अपने सैनिक के साथ आ जाते हैं। मेघा अपने पिताजी को सारी बात बताती है। मेघा की बहादुरी देखकर महाराज सूरज प्रसन्न हो जाते हैं। तभी महाराज सूरज अपने सैनिकों से कहते हैं, बंदी बना लो इन डाकुओं को। मेघा की बहादुरी देखकर महाराज वीर प्रताप अपने बेटे ध्रुव का विवाह मेघा से करा देते हैं और ये देखकर सोनम भी बहुत खुश होती है। और उस दिन के बाद से दोनों बहनों का बैर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। एक गांव में मीना अपनी सौतेली माँ उर्मिला के साथ रहती थी, क्योंकि मीना की माता का कुछ सालों पहले एक कार एक्सीडेंट से निधन हो गया था और तभी मीना के पिता दीपक उर्मिला नाम की औरत से दूसरा विवाह कर लेता है और तभी से मीना अपनी सौतेली माँ और उर्मिला के साथ रहती है। शुरू में उर्मिला मीना का बहुत ध्यान रखती है और अपनी सगी बेटी की तरह ही प्यार करती है, परंतु दीपक के काम पर चले जाने के बाद उर्मिला मीना से घर के सभी काम करवाया करती है और खुद ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगती है। दीपक शहर में एक टैक्सी ड्राइवर का काम किया करता था और रात के समय ही घर आता था। उर्मिला दीपक के सामने मीना से कुछ नहीं कहती,
और उसे चुपचाप खाना दे दिया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुबह सुबह उठकर दीपक अपने काम पर जाता है, परंतु वो देखता है कि उसकी पत्नी उर्मिला सुबह टाइम से उसके लिए खाना नहीं बनाती और वो भूखे पेट ही अपने काम पर निकल जाता है। जब उर्मिला सोकर उठती है तो वो मीना के कमरे में जाती है। क्यों रे मानुस, अभी तक तो सो रही है, तेरी सुबह नहीं हुई क्या अब तक? मीना अपनी सोतेली माँ उर्मिला की आवाज़ सुनकर जल्दी से उठ जाती है। वो माँ, कल जरा मैं देर से सोई थी इसलिए आज मेरी आँख नहीं खुली। मेरे सामने बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से खड़ी होकर घर के कामों में लग जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? और हाँ, अगली बार से मुझे तुझे सुबह उठाने की जरूरत ना पड़े, चुपचाप जल्दी से उठकर घर के सभी काम खत्म कर दियो। मीना अपनी माँ की बातें सुनकर चुपचाप से अपने कामों में लग जाती है और जल्दी जल्दी काम खत्म करने लगती है कि तभी उर्मिला की आवाज़ आती है। कहाँ मर गई रे, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, मेरे पेट में 100 चूहे उछल रहे हैं, तुझे खबर भी है कुछ? 10 मिनट के अंदर मुझे खाना तैयार चाहिए, नहीं तो पूरा दिन तुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ अभी लाई माँ। मीना डरते हुए अपनी माँ के सामने खाना लेकर आती है और उसे टेबल पर रख देती है। जल्दबाजी में मीना से खाने में मिर्ची थोड़ी ज्यादा हो जाती है और उर्मिला के खाना खाते ही उर्मिला को बहुत तेज मिर्ची लगती है और वो गुस्से में पूरी लाल हो जाती है। मीना की बच्ची, मुझे सब पता है, तूने जानबूझकर खाने में मिर्ची ज्यादा डाली है ना, ताकि ये खाना खाकर मेरी जवान जल जाए, तू मुझे इस दुनिया में चैन से नहीं रहने देगी ना। इतना कहकर उर्मिला मीना को दो थप्पड़ लगा देती है और वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। और इधर मीना चुपचाप से बैठे बैठे रोती रहती है, परंतु वो अपनी माँ की कोई भी शिकायत अपने पिता से नहीं करती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दीपक को अपनी दूसरी पत्नी उर्मिला की सारी खबर रहती थी, परंतु वो उर्मिला से कुछ नहीं कहता था। उर्मिला का अत्याचार मीना के ऊपर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था और मीना अपने सौतेली माँ का अत्याचार सह रही थी। उर्मिला अपने घर में मालकिन की तरह जी रही थी और मीना को नौकरों की तरह रखती थी। उर्मिला बाजार से अपने लिए अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर ड्रेस लेकर आती है, परंतु मीना के लिए वो सालों से कुछ नहीं लाई थी। एक दिन मीना अपनी माँ से कहती है, माँ अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरे कपड़े बहुत छोटे हो गए हैं, क्या आप बाजार से मेरे लिए कोई ढंग के कपड़े ले आएंगी? क्या मेरे पास और कुछ काम नहीं है क्या जो मैं तेरे लिए कपड़े खरीदने जाऊँ? तेरे ये कपड़े मुझे बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, और वैसे भी तुझे कौन सा बाहर जाना है, चुपचाप से जो है उसी में रहना सीख ले। मेरे पास मेरे कुछ पुराने कपड़े रखे हैं, मैं तुझे वो लाकर दे देती हूँ, उसी से काम चला। इतना कहकर उर्मिला वहाँ से चली जाती है और वो अपने कुछ पुराने कपड़े मीना को लाकर दे देती है। मीना उन कपड़ों को ले लेती है और उन्हें पहनने लगती है। मीना बहुत ही नेक दिल होती है, वो उन कपड़ों में ही खुश हो जाती है। एक दिन उर्मिला किसी काम से बाहर गई होती है और यहाँ मीना घर पर आराम कर रही होती है कि तभी मीना की आंख लग जाती है और वो गहरी नींद में सो जाती है। उर्मिला घर वापस आती है तो वो बाहर गेट पर खड़े खड़े गेट बजा रही होती है, परंतु मीना बहुत ही गहरी नींद में सो रही होती है, उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। यहाँ बाहर खड़े खड़े उर्मिला की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो गुस्से में मीना के आने का इंतजार करती है। थोड़ी देर बाद जब मीना की आंख खुलती है तो वो अपने कमरे से बाहर हॉल में जाती है कि तभी वो घड़ी में समय देखती है। फिर उसे याद आता है कि उसकी माँ बाहर गई हुई थी, परंतु अभी तक घर पर लौट कर नहीं आई है। मीना घर का दरवाजा खोलती है और देखती है कि उसकी माँ उर्मिला तो बाहर गुस्से में बैठी हुई है। दरवाजा खुलते ही उर्मिला जल्दी से खड़ी हो जाती है। उर्मिला को बहुत ही गुस्सा आता है और वो तुरंत मीना के जोरदार दो चाटे लगाती है और उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी मीना अपनी माँ से कुछ नहीं कहती और चुपचाप घर छोड़कर चली जाती है। मीना भी अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों से परेशान हो चुकी थी,
इसलिए उसे वो घर छोड़ने में कोई भी परेशानी नहीं होती और वो चुपचाप से जंगल की ओर जाने लगती है। मीना को अचानक से अपनी माँ की याद आती है और वो अपने पुराने घर की ओर जाती है। मीना के पुराने घर में उसकी माँ से जुड़ी बहुत सारी चीजें रखी हुई थी, जिन्हें देखकर मीना अपनी माँ को बहुत याद करती है। तभी मीना की नज़र एक बक्से पर जाती है। मीना जल्दी से जाकर वो बक्सा खोलती है। तभी उस बक्से से चमकदार रोशनी निकलती है। थोड़ी देर तक मीना को कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसे ही चमक थोड़ी कम होती है, तभी मीना को उस बक्से में सोने की सैंडल दिखाई देती है। वो सोने की सैंडल बहुत ही चमकदार होती है, जिन्हें देखकर मीना बहुत खुश हो जाती है। तभी सैंडल से एक आवाज आती है, मीना, मैं जादुई सोने की सैंडल हूँ। मुझे तुम्हारी माँ ने अपने पास संभाल कर रखा था ताकि मैं उनकी बेटी की सहायता कर सकूं। देखो, आज वो दिन आ गया। मीना जादुई सैंडल के साथ हंसी खुशी से अपने पुराने घर में रहने लगती है और वो जादुई सैंडल मीना की हर प्रकार से सहायता करती है और मीना को हर मुसीबत से बचाती है। मीना को अब किसी भी चीज की कमी नहीं होती और वो अपना आगे का जीवन जादुई सैंडल के साथ हंसी खुशी से बिताती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।